नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रियंका मिश्रा। आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। नाबालिग का पिता लगाए गुहार, सुन लो पुकार एसपी साहिबा। मामला जनपद बहराइच के बॉडी थाना क्षेत्र का है, जहां दो दिन पहले नाबालिग के साथ रेप की, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गयी। थाना बॉडी क्षेत्र में हुआ है हैवानियत जैसा ये अपराध, जो कर रहा है पुलिस व्यवस्था को शर्मसार। आखिर क्यों नहीं सुन रहा कोई पिता की गुहार? एक को सजा, बाकी को मजा। क्या हो रहा है बॉडी थाने में? क्या कर रही है बॉडी थाने की पुलिस? बीमार पिता उठ पहुंचा एसपी ऑफिस, दिया शिकायती पत्र, लगाई एसपी साहिबा से न्याय की गुहार। बीमार पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना यह है कि एसपी साहिबा से न्याय की गुहार लगाने पर क्या करती है बॉडी थाने की पुलिस, उचित कार्यवाही। क्या नाम है आपको? संतोष कुमार से। किस लिए आए हो कप्तान ऑफिस में? सर आए हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी लड़की जो है दुकान पे बैठी हुई थी, और वहाँ पर दो लोग आए, एक मेरा ड्राइवर था और एक रोशन नाम, लाल नाम का लड़का था, जो दोनों वहाँ पर रात में दारू पिए 8 बजे, और वहीं पर मेरे घर से गिलास लाए, फिर बगल में पालेसर था वहाँ पर दारू पिए, फिर उसके बाद में उसने कहा दुकान बंद कर दो, तुम्हारे डैडी ने बुलाया है। सर वो घर का ड्राइवर था, लड़की ने उस पर विश्वास किया। ये दोनों वहाँ से फिर उसको लेकर के 3 लोग निकले। इसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, जब लड़की मेरी 9 बजे तक घर नहीं पहुंची, हम लोग उसे ढूंढने निकले, तो जब उसे ढूंढ रहे थे अचानक ये जब हल्ला हुआ, तो उधर से जो है पता मिला कि जो है बड़ी जोर से कुकराव हुआ। हम लोग उधर दौड़े, जब तब उसकी लाश नाले में मिली, जो पूरी नग्न थी, और सर उसकी दर्दनाक मौत करके उसे मार डाला गया। फिर भी मैंने थाने में जब FIR कराया, तो उन्होंने बता रहे, उसने एक आदमी का सिर्फ चालान दिया जो फूलचंद का, और दूसरे का नहीं। तो क्या सर वो अकेला इस लड़की को, 13 साल की लड़की को उठाकर उसके मुंह में कपड़े हूर कर और उसका मुंह और गला दाब करके उसके साथ बलात्कार करके उसे मार सकता है? सर मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे सर उचित कार्रवाई करने की, मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें, इसीलिए हम कप्तान ऑफिस आए हुए हैं।